दोस्तों इंडिया में 2010 तक सबसे बड़ा स्कैम था सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम, जो आज भी आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। आखिर कैसे एक 2 मिलियन की कंपनी ने किया हजारों करोड़ों का घोटाला, चलिए जानते हैं। दोस्तों 1987 में राजू ब्रदर्स यानी रामा राजू और रामलिंगा राजू ने कंपनी स्टार्ट की सत्यम कंप्यूटर्स, क्योंकि 90s के दौर में इंडिया में आईटी इंडस्ट्री काफी बूम पर थी। इसी वजह से 1991 तक आते आते सत्यम कंप्यूटर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई और सन 2000 तक आते आते सत्यम कंप्यूटर्स ने विप्रो और टीसीएस जैसी मार्केट में जगह बना ली और 2003 तक आते आते सत्यम कंप्यूटर्स मार्केट में 1 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी और सन 2008 तक आते आते सत्यम कंप्यूटर्स ने 2 बिलियन तक का मार्क टच कर लिया था और इसी वजह से कंपनी के शेयर 300% तक बढ़ गए। और जब इस पर ऑडिट बिठाई गई तो पता चला कि दोनों भाइयों ने लाखों करोड़ों के फर्जी बिल बना रखे हैं ताकि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़े और लोग इसमें इन्वेस्ट करें। इन दोनों भाइयों ने लगभग 7000 के फर्जी बिल बना रखे थे जिनकी वैल्यूएशन करोड़ों में थी और जिस वजह से इस कंपनी के शेयर इतने ज्यादा बढ़ गए थे और इन्हीं शेयर को बेचकर ये दोनों भाई खूब प्रॉफिट कमा रहे थे और इसी वजह से इन दोनों भाइयों को सन 2015 में 7 साल की सजा हो गई थी।